वीरता विरासत में नहीं मिलती, वीरता एक परंपरा होती है। महाराणा प्रताप की परंपरा अगर हिंदुस्तान में रही है तो चेतक की वो परंपरा भी रही है। और आज जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं उसमें हिंदुस्तान का समूचा इतिहास भी समाहित हो जाता है। आज कहानी राष्ट्रपति अंगरक्षकों की। एक तो ये पूरे देश को, पूरे विश्व में देखे जाते हैं जब वो परेड में राष्ट्रपति जी को राजपथ पे लेके जाते हैं एस्कॉर्ट करते हुए, इनके मन में काफी गर्व महसूस करता है कि आप देश के सबसे उच्च अधिकारी को लेके आप जा रहे हैं। देश के प्रथम नागरिक का अद्वितीय सुरक्षा दस्ता है। प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड एक रेजिमेंट ऐसी है, अकेली रेजिमेंट है पूरे इंडियन आर्मी में, जिसे हम एक स्पेशल और एक यूनिक रेजिमेंट कहते हैं, जो प्रेसिडेंट की पर्सनल यूनिट होती है। ये वीरों का अनोखा दल है जो तीन अलग विधाओं में पारंगत है। ये किसी भी आपको दूसरी यूनिट में नजर नहीं आएगा कि जहां के जवान तीन ट्रेड में हैं, राइडर भी हैं, पैराट्रूपर भी हैं और टैंकमैन भी हैं। ये भारतीयता और वीरता का समारोहिक समावेश है। हमारा यूनिट से, प्रेजेंट बॉडीगार्ड से हर साल एक जेसीओ और 6 जवान डिप्लॉयमेंट सियाचिन के लिए जाते हैं और जो भी वहाँ यूनिट होती है उसके साथ डिप्लॉय कर दिए जाते हैं। जब हमने एक बार कसम परेड खाई है उसमें कसम खाते हैं हम कि चाहे कोई भी रास्ता हो तो उसमें हम मना नहीं कर सकते, कभी कोई ऑर्डर ऐसा मिले तो हम रेडी रहते हैं बिल्कुल। अश्व और उनके योद्धाओं के बेमिसाल संबंध का उदाहरण पेश करती भारतीय सेना की सबसे अलग रेजिमेंट की कहानी आज हम आपको सुनाने वाले हैं।